ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो वॉच करने जा रहे हैं, ये वीडियो है पाकिस्तान में होली कल थी और उसके ऊपर हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें पाकिस्तानी हिंदू स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने होली खेली थी लाहौर में और वो यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पर जो उनकी होली में वो कहते हैं रंग में भंग डालना, तो ये हुआ वो हिसाब। तो कुछ स्टूडेंट्स ने जो है उन्होंने उनके साथ मिसबिहेव किया। तो गाइस, आज का इसी वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर क्या रिव्यू देती है। मैं ये जानना चाहूंगी कि पाकिस्तानी पब्लिक इस पर क्या रिव्यू दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान में रहकर हिंदू बच्चे जो हैं वो अपनी होली अगर इस तरह से विद परमिशन भी अगर वो सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, तो ये क्या वजह है और लोग इसके ऊपर क्या रिव्यूज देते हैं, क्या वो एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, वो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो यस, पाकिस्तान में रहने वाली जो माइनॉरिटीज़ हैं, अगर हम बात करें खासकर हिंदू माइनॉरिटीज़ की, क्या वो सेफ़ हैं? कहा तो जाता है सेफ़ है, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है कोई सेफ़ नहीं है। यहाँ पर मुसलमान मुसलमान से सेफ नहीं है, तो माइनॉरिटी कहाँ से सेफ होगी? तो ये वाकई गलत की है हिंदू कम्युनिटी के साथ। अगर यही हिंदू जो यहाँ पे रहते हैं वो अगर आवाज़ उठाना शुरू कर दे कि जो मुसलमान वहाँ पे त्यौहार मना रहे हैं, भाई वहाँ उनको कंट्रोल करो, ठीक है, उन पर पथराव करो, तो क्या सीन होगा? फिर हम किस मुँह से कहेंगे उन्हें कि यार ये हमारे मुसलमानों के साथ गलत कर रहे हैं, यहाँ पर हम गलत कर रहे हैं, वो भी एक होली पर। अगले हालात जो हैं वो हमारे लिए मज़ीद टफ हो जाएंगे, लेकिन हमें चाहिए कि हम अमन का पैगाम दें, ठीक है, ताकि हमारे अंदर से वो चीज़ें सब हैं वो सारी ख़त्म होनी चाहिए एक दूसरे के लिए जो नफरत है। मुसलमानों का एक त्यौहार भी है आज शब बरात, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारे हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उन्होंने अपने होली का त्यौहार मंदिर में मनाने से मना कर दिया, क्योंकि मंदिर के सामने मस्जिद है और मुसलमानों ने इबादत करनी है। तो उन्होंने कहा कि आज की रात मुसलमान अपनी इबादत कर लें, हम जो है अपना होली का त्यौहार कल का दिन मना लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सना अमजद नासिन। आज पंजाब यूनिवर्सिटी में एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया। हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ स्टूडेंट होली सेलिब्रेट कर रहे थे, जिन पर एक ग्रुप की जानिब से हमला किया गया, पथराव किया गया, जिसके नतीजे में 15 स्टूडेंट जख्मी हो गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमलावरों के खिलाफ अभी तक एक भी FIR दर्ज नहीं की गई। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, कि हम अक्सर यही कहते हैं कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़ को उनके तमाम राइट्स मिलते हैं, पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटी को तमाम तर मजहबी आज़ादी हासिल है। लेकिन क्या अब भी पाकिस्तान के अवाम को लगता है कि पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज सेव हैं और उनको उनके राइट्स मिलते हैं? क्या पाकिस्तान में रहने वाली खासकर हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान में सेफ है? आइए जानते हैं पाकिस्तान की अवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उस्मान रजा। उस्मान, आपको पता है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ हिंदू कम्युनिटी के स्टूडेंट्स होली सेलिब्रेट कर रहे थे और उनके ऊपर हमला किया गया, उनके ऊपर पथराव किया गया, 15 हिंदू स्टूडेंट जो हैं वो होली सेलिब्रेट करते हुए ज़ख्मी हो गए हैं, क्या कहेंगे आप इस इंसिडेंट के हवाले से? हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाली तमाम माइनॉरिटीज़ उनके राइट दिए जाते हैं, अब कहाँ गए उनके राइट्स? क्या अभी ये लग रहा है कि यहाँ पर रहने वाली माइनॉरिटीज़ उनके राइट्स दिए जाते हैं, उनको उनके त्यौहार मनाने की आज़ादी दी जाती है? जी मेरा ओपिनियन ये है कि राइट तो दिए जाते हैं मिनोरिटी को जितने भी हैं, हालांकि हिंदू सिख है अपनी वो उनकी मजहबी जो भी उनकी प्लेसेस वगैरह वहां पे जाते हैं, कोई ऐसा उन्हें इशू नहीं है। करतारपुर कॉरिडोर भी मिनोरिटी के लिए ओपन की है, लेकिन ये कुछ अब वो पढ़े लिखे जाहल आप कह सकते हैं, ठीक है, ये इस तरीके की हरकत वगैरह कर रहे हैं। लेकिन ऊपर से देखें पंजाब यूनिवर्सिटी का माशाल्लाह से नाम भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है, इनकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है, तो फिर डेफिनेटली स्टूडेंट भी अच्छे होंगे वहाँ पे, एक अच्छा ब्ला मेरिट पे आके तो फिर वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। और लॉ कॉलेज के अंदर ये सब कुछ हुआ है। जी जी, वो देखिए ना, अब लॉ कॉलेज में हो रहा, अब आगे क्या बंदा कह सकता है इन्हें कि लॉ के स्टूडेंट अगर मिनोरिटी के साथ इस तरह कर रहे हैं तो
वो तो फिर बहुत ज़्यादा अब गलत है। इसी अगर देखा जाए तो अब बुत भी, वो बुतों की पूजा भी करते हैं वहाँ पे, यहाँ पे मंदिर भी बने हुए हैं। अगर ये वाकई गलत है, ये होली है, हमें तो पता कि गलत है, लेकिन वो मिनोरिटी है, मिनोरिटी है, हमने उनको हकूक दिए हुए हैं, ये पाकिस्तान के आयन में लिखा हुआ है, वो जो मर्जी करे, ठीक है, वो आज़ाद है। ये कायदे आज़म ने ये कहा था कि वो आज़ाद हैं, जो चाहे एक गैर मज़हब भी जो भी लोग हैं वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर वो कर रहे थे, हमें लगता है कि गलत है ये होली। अरे होली मना रहे थे ना, एक दूसरे को रंग ही लगा रहे थे, कुछ गलत उन्होंने नहीं किया। और आपको पता है ये यूनिवर्सिटी इंतजामिया की परमिशन लेकर उन्होंने होली सेलिब्रेट की है, उन्हें यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से परमिशन बाकायदा तौर पर दी गई थी कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हुए होली सेलिब्रेट कर सकते हैं, उसके बावजूद भी ये हरकत हुई है। और आप सोचें कि इसे कितना बुरा इम्पेक्ट जा रहा है। जी ऐसे ही है, मैं बस ये स्टूडेंट लॉ के स्टूडेंट को, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये वाकई गलत है ना, ये होली गलत है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि मुसलमान इंडिया में ज़्यादा है, पाकिस्तान की भी नस्बत ज़्यादा है, और वहाँ पे मिलाद भी हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। अगर यार यही चीज़ें वो हिंदू करना शुरू कर दें कि भाई हमें एक होली या फेस्टिवल है वो ही नहीं मनाने दे रहे, तो अगर यहाँ पर जो मुसलमान मिलाद कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, ठीक है, आगे ईद है, ईद पे भी त्यौहार होता है, सही अच्छा भला होता है, अब वो वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगा देंगे, तो क्या मसला कि हम फिर किस तरीके से कहेंगे कि यार वो हिंदू गलत कर रहे हैं मुसलमानों के साथ इंडिया में। अब होली एक ऐसा त्यौहार है कि यहाँ पर रहने वाले मुसलमान भी सेलिब्रेट करते हैं। मैंने खुद साख्ता हिंदुओं के साथ मिलकर उनके मंदिरों में जाकर बहुत सारी होली सेलिब्रेट की हुई है। इसके अलावा आप देखें कि हमारे यहाँ पर अक्सर जो है, यहाँ पर बेदियाँ रोड हो गया, बहुत सारे ऐसे फार्म हाउसेस बने हुए हैं जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी जाकर, यंग लड़के लड़कियाँ जाकर होली सेलिब्रेट करते हैं। जब ये हिंदुओं का त्यौहार है तो फिर हम मुसलमान क्यों मनाते हैं? जी जी ऐसे ही, आप लम्ज में देख ले, लम्ज में सारा हाँ। कुछ हो रहा है, लम्ज में ये होली फेस्टिवल सारा, ये एक मुस्लिम के आप लगा लें कि वैसी इंजॉयमेंट के लिए ना लोग इसे करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, करते हैं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन आप लम्ज में जाके कहें ना लॉ के स्टूडेंट के, लॉ के स्टूडेंट का पता क्या क्राइटेरिया लम्ज में, इतना लेवल है कि आप सोच भी नहीं सकते। और पंजाब यूनिवर्सिटी वाले भी उनसे नीचे हैं थोड़ा सा, लेकिन अच्छे स्टूडेंट हैं, उनको अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, प्रोफेसर अच्छे हैं, हर तरीके से वो अच्छे हैं, लेकिन यार ये वाकई गलत की है हिंदू कम्युनिटी के साथ। अगर यही हिंदू जो यहाँ पे रहते हैं वो अगर आवाज़ उठाना शुरू कर दे कि जो मुसलमान वहाँ पे त्यौहार मना रहे हैं, भाई वहाँ उनको कंट्रोल करो, ठीक है, उन पर पथराव करो, तो क्या सीन होगा? फिर हम किस मुँह से कहेंगे उन्हें कि यार ये हमारे मुसलमानों के साथ गलत कर रहे हैं, यहाँ पर हम गलत कर रहे हैं, वो भी एक होली पे, हालांकि वो मुसलमान लम्ज में वो कोई वहाँ पे खुला मनाते हैं, सर यहाँ मनाते हैं, हमारे टीवी चैनल खबरें चलाते हैं, ऐसे ही है, वो हिंदू नहीं कर रहे, लम्ज यूनिवर्सिटी में हिंदू नहीं कर रहे, वहाँ पे जाके ऐसा वैसा कुछ करे ना, क्योंकि उनका है, उन्हें पता है कि किस तरीके से स्टूडेंट को कंट्रोल करना है, यहाँ पे थोड़ी बहुत ही जमातें बनाई हुई हैं, ठीक है, ये सारे ना दड़ों में बटे हुए हैं मुसलमान जितने भी है, किसी एक ने इन्हें कहा इंतहा पसंद, मुसलमानों में भी होते हैं, हिंदुओं में भी होते हैं, सभी मजहब में होते हैं, एक बंदे ने कह दिया बस जी, उसी पे उसी बात को लेके बैठ गए और बस। और अफसोसनाक बात यह है कि हमला करने वालों के खिलाफ FIR भी दर्ज नहीं की गई। नहीं नहीं ये तो वाकई अफसोस वाली बात है कि, लेकिन जो करंट सिचुएशन चल रही है ना, आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, कुछ भी तसव्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। आप चेक करें हमारे हकूक, उनके हकूक तो बड़ी दूर की बात है, ठीक है, हमारे आयन में लिखा, हमारे आयन में जो हमारे मुसलमानों के हकूक है ना वो ही नहीं मिल रहे हमें, तो हम किस तरीके से कह सकते हैं कि मिनोरिटी के लिखे हुए, मिनोरिटी के मुसलमानों के भी लिखे हुए, लेकिन ना ही मुसलमानों को मिल रहे हैं, ना ही हिंदुओं के मिल रहे हैं, ये अल्लाह ही हाफज है, बस ये कह सकते हैं। आपका नाम? आइज़िक शेर। सर पंजाब यूनिवर्सिटी में कुछ हिंदू स्टूडेंट्स होली सेलिब्रेट कर रहे थे, उन पर हमला किया गया, उन्हें पत्थर मारे गए, 15 हिंदू स्टूडेंट जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं। हम कहते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़ को उनके राइट मिलते हैं, वो महफूज हैं, क्या आपको अब भी लगता है कि पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी जो है वो महफूज है और वो आज़ादी से अपने त्यौहार यहाँ पर सेलिब्रेट कर सकती है? जी बिल्कुल ऐसे ही होना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ये एक अफसोसनाक बात है, ठीक है, ये नहीं है कि वो एक हिंदू है या वो क्रिश्चियन है या वो सिख है या मुस्लिम है, सबसे बड़ा जो मज़हब है इंसानियत है, हमने उस चीज़ को देखना है। और ये जो हमारे कायद हैं कैज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उनकी भी यही ख्वाहिश थी कि एक ऐसा पाकिस्तान बने जहाँ पर सारे मज़हब जो है वो इकट्ठा हों और किसी तरह की कोई पाबंदी ना हो।
और ना ही किसी की इबादत गाह पर किसी के प्रोग्राम्स पर जो है वो हमला किया जाए। लेकिन ये अफसोसनाक बात है कि अगर वो कर रहे थे, उन्होंने इजाज़त ली है और ये सारी चीज़ें भी दी हैं और उसके बावजूद उन पर हमला भी हुआ है और अभी तक FIR भी जो है वो नहीं काटी गई है, तो ये हमारे जो हुक्मरान हैं उनको ये सोचना चाहिए। ये बड़ी काबिले गौर बात है कि उनको सोचना चाहिए कि हमने किस तरह से लोगों को चलाना है। सर, हम फिर सवाल ये उठाते हैं, अक्सर ये गिले शिकवे करते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान महफूज नहीं हैं, हम उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू कम्युनिटी के साथ क्या कर रहे हैं? हमने कभी इस पर बात नहीं की और अब तो ये जीता जागता सबूत पूरी दुनिया को मिल चुका है कि पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू हैं वो महफूज नहीं है, उनको नस्ल कशी की जा रही है, उनको जबरन कन्वर्ट किया जा रहा है। अब देखें, होली मनाई जा रही है, रंग लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान में रहने वाले बहुत सारे मुसलमान भी इस त्यौहार को मनाते हैं, मैं भी मना चुकी हूँ, इसमें गलत क्या था जो उनके ऊपर पथराव किया गया और 15 स्टूडेंट जो हैं वो जख्मी कर दिए गए हैं? लेकिन उसमें यही है ना कि देखिए, हम जो एक पैगाम दे रहे हैं अब, लेकिन वो हमारी आने वाली नस्ल के लिए बेहतर नहीं है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर नहीं है, अगले हालात जो हैं वो हमारे लिए मज़ीद टफ़ हो जाएंगे। लेकिन हमें चाहिए कि हम अमन का पैगाम दें, ठीक है, ताकि हमारे अंदर से वो चीज़ें जो हैं वो सारी ख़त्म होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए जो नफ़रत है उसे ख़त्म करना चाहिए, ताकि दूसरे मुल्क अगर अमन के अंदर हैं, हम देखते हैं कि वो अमन के अंदर रहकर बड़े काम करते हैं, ठीक है, वो बड़ी ईद भी मना रहे हैं, छोटी मना रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, वो होली की भी ज़्यादा दे रहे हैं, तो लेकिन हमें ये चाहिए कि हम कोई बेहतरीन अच्छे पैगाम उन तक पहुँचाएँ। सर, अब जहाँ एक तरफ होली मनाई जा रही है, आपको पता शबे बारात का भी जो है वो दिन है, तो डेफिनेटली हिंदुस्तान में भी जो है बहुत सारी मस्जिद में इबादत हो रही होंगी, अब अगर वहाँ पर ये न्यूज़ देखी गई है तो डेफिनेटली आपको लगता है कि इसका कोई रिएक्शन आने वाला है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसका रिएक्शन आए, मैं तो यही चाहूँगा कि खुदा ना करे कि कभी ऐसा हो, और ना ही कोई भी मतलब जो जो है एक पाकिस्तानी जो है, एक जिम्मेदारी शहरी जो है, या इसके अलावा जो है इंसानियत जिसके अंदर ज़िंदा है, तो वो कभी भी नहीं ये चाहेगा कि किसी के मज़हब पर, किसी के इबादतगाह के ऊपर जाकर हमला किया जाए। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि जो है मज़हब के ऊपर ज़रूर हमला होगा, कि जो हम पैगाम लोगों तक पहुँचाते हैं कि जी पाकिस्तान जो है उसमें रहने वाले लोग सेफ़ हैं, तो ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। क्या लगता है अब गवर्नमेंट को इस इंसिडेंट के ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए? गवर्नमेंट को तो ये एक्शन ज़रूर लेना चाहिए, ताकि दायरे हरकत में आएँ और अपना काम करें, जो कानूनन कार्रवाई है उसे पूरा किया जाए, ठीक है, उन लोगों जो है वो कटहरे में लाया जाए, ठीक है, उन पर FIR दी जाए, और उसके अलावा ताकि दूसरे लोगों को भी नसीहत हो कि हमने ये काम नहीं करना। तो इससे सर, पंजाब यूनिवर्सिटी इतना बड़ा अदारा, उसके लॉ कॉलेज के अंदर ये हरकत हुई है, मतलब हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमारी पढ़ी लिखी यूथ के दिमाग जो हैं वो इतने बेकार हो चुके हैं कि वो इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। नहीं, ऐसा भी होता है कि देखिए, अगर यूथ जो है, मैं ये भी समझता हूँ कि यूथ को इसका मतलब है कोई इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, उनके माइंड को जो है वो, ब्रेन को जो है वो ब्रेक कर दिया गया है, उनमें चीज़ें नहीं ऐड कर दी गई हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि अगर वहाँ के जो लोग हैं, जो मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी थी ताकि वो सारे प्रोग्राम्स को, जब तक वो स्टार्ट से लेकर आखिर तक ख़त्म नहीं हो जाता, तो वो अपनी जिम्मेदारी निभाते। सर, वो यूनिवर्सिटी के अंदर ग्राउंड के अंदर सेलिब्रेट कर रहे थे और एकदम से एक हजूम कहीं से भागता हुआ आया और उनके ऊपर पत्थर मारना शुरू कर दिए, वो लोग थे तो उसे को रंग लगा रहे थे, कोई नाच गाना नहीं हो रहा था, कोई अनएथिकली चीज़ नहीं हो रही थी, उसके बावजूद भी ये सब कुछ, मेरी तो समझ से बाहर आता है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, इसमें कोई शक नहीं है, हमारी समझ से ये बालातर चीज़ें हैं और ये हमें चाहिए कि हम इस पर काम करें, ठीक है, क्योंकि जो नई नस्ल है उसके लिए भी मोहब्बत का पैगाम पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, उनको सिखाना चाहिए ताकि हमारा दीन, हमारा मज़हब क्या ज़्यादा देता है, क्योंकि मैं खुद एक क्रिश्चियन हूँ, ठीक है, और इसके अलावा मतलब सब जितने मज़हब हैं कोई भी ये इंतशार की बात तो बताते नहीं है, ठीक है, सब ने जो है वो कुर्बानियाँ दी हैं और बेहतरीन काम किया है, और हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। रजा, मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में रहने वाली जो माइनॉरिटीज़ हैं, अगर हम बात करें खासकर हिंदू माइनॉरिटीज़ की, क्या वो सेफ़ हैं? कहा तो जाता है सेफ़ है, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है कोई सेफ़ नहीं है, यहाँ पर मुसलमान मुसलमान से सेफ़ नहीं है, तो माइनॉरिटी कहाँ से सेफ होगी? अब यही आप हालात देख लें, जो वाकई इशू हुआ है यहाँ पर यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो उसमें उन्होंने क्या किया है? हालांकि हमारे जितने भी बुज़ुर्ग थे, हमारे खुलफाए राशिदीन जितने भी गुजरे हैं, उन्होंने कभी भी किसी भी माइनॉरिटी पे ना इस तरह जुल्म नहीं किया। हालांकि हमें एज मुस्लिम चाहिए कि हम अपना इतना अच्छा उनके साथ उसने सलूक रखें कि वो हमारे सलूक की वजह से ही इस इस्लाम जो असल मज़हब है उसमें दाखिल हो जाए। लेकिन अफसोस होता है यहाँ पर कोई भी उस चीज़ के बारे में नहीं सोचता, हर कोई अपने आप को ही सबसे बालातर समझता है, और एज मुस्लिम हम तकब्बुर अगर करते हैं तो तकब्बुर का मतलब ही सबसे बड़ा गुनाह है, जो कि
उसका आखिर हर किसी को पता कि उसके अब आप देखें कितना अफसोसनाक वाकया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी में। लॉ डिपार्टमेंट के अंदर के कुछ हिंदू कम्युनिटी के स्टूडेंट जो थे वो होली सेलिब्रेट कर रहे थे और बाकायदा यूनिवर्सिटी इंतजामिया की परमिशन से कर रहे थे, उनके ऊपर एक ग्रुप की जानिब से हमला किया गया, पथराव किया गया और 15 स्टूडेंट जो हैं वो ज़ख्मी हो गए। अफसोस है, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत ही गलत बात है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि त्यौहार वो मना रहे हैं तो उनको आप ग्रीटिंग करें। इस्लाम में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप उन्हें ग्रीट ना करें, खासतौर पे अगर होली है तो होली पे उन्हें आप ग्रीट करें। आप उन्हें कह सकते हैं कि नेक तमन्नाओं के साथ आपको हम ये मुबारकबाद देते हैं। तो इसका मतलब ये, नेक तमन्नाओं का मतलब ये नहीं होता कि आप खुद भी नौज़ बिल्ला उस मज़हब की तरफ जा रहे हैं। उसका मतलब ये होता है कि नेक तमन्नाओं कि अल्लाह ताला इन्हें हक का रास्ता दिखा दे। उसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर उन पर जुल्म करो। ऊपर से ये जो स्टूडेंट हैं, ख़ास तौर पर जब आप एक लॉ कॉलेज की बात करते हो, वो खुद वहाँ पे वो स्टूडेंट है, लॉ के स्टूडेंट हैं। अगर वहाँ पे स्टूडेंट्स ही ये काम करेंगे तो हम आगे हम क्या करेंगे? जो एज ए स्टूडेंट हम कहते हैं कि हम एक जो भी रियासत होती है उसके जो मुस्तकबिल वो स्टूडेंट ही होता है। जब स्टूडेंट ये काम करेंगे तो आगे हम किस चीज़ को क्या कह सकते हैं? फिर दो चार जत्थे हैं जो स्टूडेंट खुद को स्टूडेंट स्टूडेंट कहते हैं। अगर हकीकत मैं श्योरिटी के साथ ही कह सकता हूँ कि अगर उनके आप मार्क्स शीट उठा के देख लेना, वो इस काबिल नहीं है कि वो अपनी फैमिली को दिखा सकें। ठीक है, तो वो यहाँ पे अपने आप को एक बहुत बड़ा समझने के लिए, एक बहुत बड़ा दिखाने के लिए कि जी हम ये चीज़ हैं, हम मुसलमान हैं, उनमें से मोर देन 50% ऐसे होंगे जो नमाज भी नहीं पढ़ते। और यकीन करें अफसोसनाक बात यह है कि FIR तक भी दर्ज नहीं की गई। अब हालांकि कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि ये सब का मुल्क है, ये जो रियासत है ये सारों के लिए, ये खास उन्होंने नहीं कहा था कि ये सिर्फ इस्लाम की है। ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एक कलमा की बुनियाद पर ये मुल्क बना है, लेकिन माइनॉरिटी का भी इस पर वही हक है जिस तरह एक आप पर्चे में देखते हैं कि वाइट हिस्सा आपका, वो माइनॉरिटी के लिए है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वाइट हिस्से में अब छोड़े इन चीज़ों को। आपको पता है आज कृष्णा मंदिर में होली सेलिब्रेट होनी थी, मुझे काशीराम पंडित जी की कॉल आई कि आपने होली सेलिब्रेशन पे आना है, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान का मुसलमानों का एक त्यौहार भी है आज शब बारात। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारे हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उन्होंने अपने होली का त्यौहार मंदिर में मनाने से मना कर दिया क्योंकि मंदिर के सामने मस्जिद है और मुसलमानों ने इबादत करनी है। तो उन्होंने कहा कि आज की रात मुसलमान अपनी इबादत कर ले, हम जो है अपना होली का त्यौहार कल का दिन मना लेंगे। जब वो लोग हमारे लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं, हमारे मज़हब का एहतराम करते हुए अपना त्यौहार उन्होंने एक दिन डिले कर दिया, तो अब आप सोचें कि कितनी अफसोसनाक हरकत है कि हमारी पढ़ी लिखी यूथ, हमारे पढ़े लिखे जो लोग हैं वो हिंदू कम्युनिटी को उठ उठ के पत्थर मार रहे हैं। अब बात वही है ना कि अगर हम यहाँ पे ये काम करेंगे, आप एक माइनॉरिटी के साथ एज ए मुस्लिम, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं, लास्ट टाइम मेरे एक दोस्त के साथ डिस्कशन हो रही थी इसी टॉपिक पे ना, एज ए मुस्लिम और गैर मुस्लिम, तो मैंने उसके साथ यही बात की कि यार देखिए हम मुसलमान हैं लेकिन अफसोस सद अफसोस हम मुसलमान होने के बावजूद इंसान नहीं है, लेकिन जितने भी बैर अब्रॉड कंट्रीज़ हैं जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो मुसलमान नहीं है। मैं मानता हूँ उनका मज़हब गलत है, उनकी कोई आखरत कोई चीज़ नहीं है, सब चीज़ तबाह बर्बाद है, लेकिन कम अज़ कम वो इंसान है। हमेशा इंसानियत के बारे में सोचना चाहिए, ना कि आप अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करें। ये असल में जो स्टूडेंट जिन्होंने ये सारा काम किया वो ये बेसिकली चाहते हैं कि वो भी उसी तरह बने जिस तरह एक कराची में एक लड़का एक स्टूडेंट उठा था और उसके बाद उसके एक कहने पर पूरा कराची बंद हो जाता था। आज उसकी ये कंडीशन है कि वो लंदन से इस साइड पर आ नहीं पा रहा, तो उसका भी आप अंत तो देखें ना, उसका आखिर हुआ क्या है। तो मेहरबानी करें आप गैर मुसलमों को जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको ही अपनी तरह इंसान समझें। आप उन्हें मुसलमान नहीं समझते, वो ना मुसलमान है ना आप उन्हें समझें। आप उन्हें हुस्न सलूक के साथ अपनी तरफ तो लेके आएँ, उन्हें बताएं उससे इस्लाम असल चीज़ है क्या। आपको लगता है इस इंसिडेंट का आप कोई रिएक्शन आएगा इंडिया में, क्योंकि पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं और हम लोग हमेशा कहते हैं कि मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो महफूज नहीं है, वो महफूज नहीं है, यही राग हमने लापा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे हिंदुओं के साथ क्या कर रहे हैं ये हमें पता ही नहीं, हम उसका जिक्र भी नहीं करते। अब मुझे ये बताएं कि क्या लगता है इसका रिएक्शन कितना परसेंट आने के चांसेस हैं? इसका रिएक्शन जहाँ तक मेरा आइडिया है, जहाँ तक मैं इस सेटअप सारे को जानता हूँ, तो काफ़ी चांस 80% चांसेज हैं कि वहाँ पर इशूज़ होंगे, क्योंकि वहाँ पर 30% मुसलमान है पूरे इंडिया में, मोर देन 30%। अगर 30% के ऊपर 70% जो है, ये 60% हिंदू हैं, तो वो अगर इसका लेके आएंगे तो उनकी इबादत में खलल आएगा, तो उसका क्या फ़ायदा है? उसका सरासर नुकसान ही है ना। तो उसको बहुत बहुत गलत किया जो भी किया बहुत। और सबसे बड़ा जो है, जो हमारे इस वक्त हायर ऑफिशियल्स हैं, हायर ऑफिशियल्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो पुलिस के बैठे हुए हैं ऊपर बैठे हुए, जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो सारों का ये फ़र्ज़ है कि वो माइनॉरिटी को इंसाफ दे। और जिन बच्चों ने या स्टूडेंट्स ने, वो स्टूडेंट्स हैं ही नहीं,
वो जो भी है ना, जो जत्था एक वहाँ पे एक अपने आप को कहता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और यूनिवर्सिटी पे काबिज है, उनको वो पकड़ें और इंसाफ दें माइनॉरिटीज़ को, और ऐसे इंसाफ दें कि सभी को पूरी दुनिया में, पूरे जितनी ये हमारी दुनिया ना, हर मुल्क में ये जाना चाहिए पैगाम कि मुसलमान कंट्री, ये मुसलमान कंट्री जो हमारा पाकिस्तान है, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हर हिसाब से सेफ हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम आपने जाने पाकिस्तानी अवाम के रिएक्शन। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। गाइज़ यहाँ पे वीडियो एंड होता है। बहुत ही लोगों के पॉजिटिव रिएक्शंस मुझे देखने को मिले हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा इस बात पे खुश हूँ कि एटलीस्ट हमारे यहाँ पर लोग पॉजिटिव ओपिनियंस भी रखते हैं इस तरह के, कि वो माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव आंसर कर रहे हैं। और ये बात ऐसी है कि हम पहली बार ऐसा नहीं हो रहा कि माइनॉरिटीज़ के साथ ऐसा हो रहा हो, कभी ना जब भी कोई त्यौहार आता है तो कोई ना कोई ऐसी चीज देखने को मिलती है। स्पेशली मुझे अभी भी याद आ रहा है कि सात का बाद में जब उस टाइम पे भी शायद कोई फेस्टिवल ही था जब इन्होंने उनके मंदिर को डिस्ट्रॉय किया था सात का बाद में, जो कि बहुत ही दुख की बात है कि यार आप माइनॉरिटी जो होती है उसको तो हमें सेफ फील कराना चाहिए, उन्हें हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए, हमें उनको फील कराना चाहिए कि आप जो है हमारी कंट्री में सेफ हैं, बल्कि हमारी नहीं ये आपकी कंट्री है, जितने हम हैं उतने ही आप हैं, और हम बल्कि हमें ग्रीट करना चाहिए। हमें ग्रीट करने में क्या जाता है, अगर हम ग्रीट कर लेते हैं सबको विश कर देते हैं तो इसमें क्या बुराई है, किसी को विश करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। मैं ये समझती हूँ कि विश करने से इंसान जो होता है ना वो एक रिस्पेक्ट बनती है और जो है आपके दिलों में मोहब्बत आती है। अगर आप इस तरह से भेदभाव करेंगे तो यकीनन आपके अंदर जो है वो नफ़रतें पैदा होंगी, आप एक दूसरे से चिढ़ करेंगे या फिर आपके दिलों में दूरियां पैदा होंगी। तो मैं ये समझती हूँ कि मोहब्बत को बढ़ाना चाहिए बजाय इसके कि आप हेट को आगे लेकर आएं। सो ओवरऑल अच्छा लगा कि लोग पॉजिटिव वे में भी सोचते हैं और काफ़ी अच्छा ओपिनियन राय भी रखते हैं माइनॉरिटीज़ के लिए। और दूसरी बात यह है कि डिफरेंट जब कंट्रीज के लोग सेलिब्रेट करते हैं, आप देखें तो यूएई में लोगों ने सेलिब्रेट किया है, कितने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया है। मैं तो देखकर हैरान होती हूँ कि दूसरी कंट्रीज इतना धूमधाम से सेलिब्रेट करती है, तो व्हाई नॉट वी, हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो हम लोग अगर अपने माइनॉरिटीज के बीच में जाके उनकी खुशियों में शामिल हो जाएंगे तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी। बट लोग पता नहीं क्यों इस तरह से एक्टिविटीज कर रहे हैं और इस तरह से चिढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे बहुत ही बुरा लगा। तो दोस्तों इसके ऊपर आप लोगों की क्या राय है जरूर शेयर कीजिए मुझसे कमेंट सेक्शन में, आप लोगों की राय जानना चाहूंगी। बाकी ओवरऑल लोगों के ओपिनियन से तो यही वाजह होता है कि हमारे पास अच्छे लोग भी मौजूद हैं और बुरे लोग भी मौजूद हैं। अगर हम देखें तो पाकिस्तान में अगर हम लोग माइनॉरिटीज के साथ ये करेंगे तो जितनी हमारी यहाँ माइनॉरिटी है, हमारी टोटल जितनी आबादी है उतनी तो वहां पर मुस्लिम्स की सिर्फ आबादी है, तो अगर हम देखें उससे डबल ही होगी। तो आप देखेंगे अगर उनको ईद मनाने से मना कर दिया जाए या ईद वाले दिन कोई वहां पर तमाशा बना दिया जाए तो आप सोचें हम लोग क्या फिर उस पर बोल सकेंगे, हम बिल्कुल नहीं बोल सकते क्योंकि हम बोलने लायक ही नहीं रहेंगे। वो कहेंगे अपने घर को तो पहले तुम संभाल लो, अपने माइनॉरिटीज को आपने कितना अच्छा सुकून दिया हुआ है जो हम आपको आपकी बात सुने, तो आप कुछ तो सोचना चाहिए करने से पहले। और ये जो बच्चे हैं ये वही होते हैं जो बिगड़े हुए होते हैं ना, एक ग्रुप बना हुआ होता है कॉलेज में और वो शैतानियां करने वाले, तो ये वही ग्रुप मुझे नजर आ रहा है और इस तरह की एक्टिविटीज में मुलविस है। सो बड़ी अफसोस की बात है, ये चीजें करना शोभा नहीं देता और स्पेशली ऐसे बड़े त्योहार में जब आपके जो है, मैं तो समझती हूँ माइनॉरिटी वर्ड भी एक बहुत ही ज्यादा चीप वर्ड लगता है कि आप माइनॉरिटी बोलकर उनको फील करा रहे हो कि आप कम तादाद में हो, बल्कि हमें तो उनको ये भी फील नहीं कराना चाहिए, हमें तो यही कहना चाहिए कि भाई आप लोग हम सब बराबर हैं और कोई माइनॉरिटी मेजोरिटी वाला सीन नहीं है।
सो गाइस आप लोग इसके ऊपर क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये बहुत बड़ी बात है कि भाई उन्होंने अपनी होली को कैंसिल कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ शबे बरात, क्योंकि शबरात रात में सेलिब्रेट होती है और उसी के साथ साथ उनके जो है वो होली का दहन भी था। तो मैं नहीं जा पाई क्योंकि मुझे जाना था, तो मैं नहीं गई क्योंकि नहीं जा सकी। बट ये है कि चलो अच्छा लगा है कि माइनॉरिटीज़ तो हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट करती है, लेकिन हम कितना कोऑपरेट करते हैं ये शर्मिंदगी की बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ गाइस, टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय बाय।